इसलिए तो मैंने अपना नाम नकल हेड वॉरियर रखा है, वॉरियर इन द सेंस दैट मच कैफीन किल्स यू एट अ यंग एज फॉर श्योर, बेटर यू चेक योर हार्ट हेल्थ। ब्रो देखो ऐसा है, मेरी हार्ट हेल्थ बेस्ट कंडीशन पे है, क्योंकि आज तो मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ अपना ट्रेनिंग को लेके, जो तुम बोलोगे फिर अब तो पागल पागल है क्या कि क्यों मेरा नाम नकल हेड वॉरियर रखा है मैंने। वेलकम बैक गाइस। हाँ ठीक है ठीक है, आज दिन में वर्कआउट नहीं करा मैंने, ओह सॉरी, न्यू डे और दिन तो खत्म होने वाला है, बट फिर स्टिल न्यू डे ओल्ड मी विद एन इम्प्रूव्ड माइंडसेट। पता है यार बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है शरीर। मैंने तुम लोगों को बोला था खाना सजेस्ट करो जिसमें हाई कैलोरी हो, तुमने कराई नहीं लास्ट वीडियो में, पर कोई ना कर लेंगे कुछ जुगाड़। आज बेसिकली बहुत ज़्यादा थकान ही लग रहा था इसलिए सुबह से कहीं गया नहीं, सो रहा था आराम से मस्त ली 8-10 घंटे की नींद, फिर आ गया मैं यहाँ थोड़ा काम करके शाम को यहाँ आ गया। अब थोड़ा वर्कआउट कर रखा है, वार्म अप हो गया है और अब करेंगे पावर पंचेस। सिंगल सिंगल डबल, बस दो के कॉम्बिनेशन में, ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब 1-2 या अपरकट हुक, अपरकट हुक या अब आई नो मैंने बोला था मैं अपनी पावर अबैंडन कर रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इम्प्रूव ही ना करूँ। स्टाइल के साथ साथ पावर भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, एमेच्योर नहीं जो टुक टुक करके पॉइंट्स बटोरे, और मैं वो नहीं कर रहा, बुरा नहीं भला नहीं बोल रहा एमेच्योर को, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट नॉकिंग पीपल आउट। फिर से लेते हैं, नॉकिंग द शिट आउट ऑफ योर ओपोनेंट, ये बेटर था। कोई नहीं, तो पहले ये फिर फुटवर्क ड्रिल। यार कमेंट करते हो तुम लोग कि नचनिया बन जा, डांसर बन जा, प्रोफेशन चेंज कर ले। ब्रो एवरी गुड बॉक्सर इज अ गुड डांसर, बट नॉट एवरी गुड डांसर इज अ गुड बॉक्सर। एक गुड बॉक्सर बनने के लिए एक गुड डांसर होना भी जरूरी है, बिकॉज बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट रिदम। रिदम नाच रहे हो, ये मजे मजे मजे। फिर शोल्डर कंडीशनिंग स्टार्टिंग में यही करेंगे, हैवी पंचेस, फिर शॉर्ट कंडीशनिंग। ये सब ये है, फिर उसके बाद डेडलिफ्ट, फिर एयर बाइक। यार मैं बताऊँ आज तो मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ अपना ट्रेनिंग को लेके, जो तुम बोलोगे फिर अब तो पागल पागल है क्या। तो क्या है मेरा सीक्रेट, मैं कभी ऑर्गेनाइज करके नहीं चलता, आज स्ट्रेंथ करेंगे स्पीड करेंगे वो तो मैं वीडियो में बोल देता हूँ, बट हमेशा मेरा गोल यही रहता है जो एक्सरसाइज करने में मज़ा है ना वो करो। आज जैसे मेरा डेडलिफ्ट उठाने का मन कर रहा है, एयर बाइक बोला था ना मैंने, जो मेरे इंस्टाग्राम से देखता है वीडियो उन्हें पता होगा, फिलहाल मैंने उड़ाई थी एक रील अपने कोच का एयर बाइक का रिकॉर्ड तोड़ने की, तो आज उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो जाएंगे। तो हाँ पहले डेडलिफ्ट फिर वो, फिर देखते हैं आगे कुछ और मन कर गया तो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, इट्स ऑल अबाउट हार्ट। तुम्हारा जितना एक्सरसाइज करके डोपामिन निकलता रहेगा माइंड से, उतना तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा, उतने तुम सो कॉल्ड डिसिप्लिन कहलाओगे। डिसिप्लिन का यही राज है और कोई राज नहीं है, जो काम में मज़ा आ रहा है वो काम करते जाओ, अपने आप ही करते जाओगे और उसको डिसिप्लिन का नाम दे देंगे लोग। और हाँ कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, बने रहो। पहला कमेंट है, भाई एमएमए छोड़ के सिर्फ बॉक्सिंग कर रहे हो क्या। यार देखो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ही बॉक्सिंग के साथ हुआ था जब मैं अपना करियर स्विच कर रहा था, पहले मेरा फुटबॉल था अगर जो जानते हैं, फुटबॉल था, अगर उस समय स्विच कर रहा था, मेरे को कोई और स्पोर्ट पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो बॉक्सिंग पहला था। फिर उसके बाद बॉक्सिंग करते 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 मैंने एमएमए इंट्रोड्यूस हुआ मेरी लाइफ में, फिर कॉर्नर मैकग्रेगर। हाँ पहले पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मेरा बॉक्सिंग माइक टाइसन की वजह से, फिर उसके बाद एमएमए, फिर मैंने थोड़ा स्विच करा था, पहले मैंने बॉक्सिंग शुरू करा था फिर मैंने एमएमए। अब देखो यार जैसा नेचर ले जा रही है वैसा ही जा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, मैं प्लान बनाता हूँ, नेचर उसमें इम्प्रोवाइज़ कर देती है तो मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। अभी फिलहाल बॉक्सिंग ही है मेरा मेन फोकस। भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस कर, वीडियोस पे बहुत सारे बना
क्या वीडियोस पे बहुत सारी बन रहे लेकिन सारी एवरेज है। अच्छा भाई, वर्कआउट तो डेली कर रहा हूँ, बस उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं, तो यही है मेरा, और कोई सीन नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट करता जा रहा हूँ जैसे जैसे ट्रेनिंग करूँ, जिस दिन नहीं आ रही उस दिन समझ जाओ कि भाई उस दिन ट्रेनिंग नहीं करी, मतलब एक दिन पहले ट्रेनिंग नहीं करी। सप्लीमेंट्स पे वीडियो बना भाई एक, चलो एक वीडियो सप्लीमेंट पे बना देंगे। इस वीडियो के नीचे बताते रहना सप्लीमेंट पे चाहिए, अगर मेजॉरिटी रहा सप्लीमेंट पे बनाओ तो बना देंगे। ब्रो व्हाई डोंट यू स्पार? देख ब्रो, स्पारिंग पहला है अपनी एंड्योरेंस बिल्ड कर रहा हूँ बॉक्सिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट 3 मिनट राउंड 1 मिनट रेस्ट, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एंड्योरेंस पहले बिल्ड कर रहा हूँ। और एक और बात बता दूँ, बॉक्सिंग इज अ लोनली स्पोर्ट, 80% बॉक्सिंग जो होती है वो अकेले ही करनी पड़ती है, 10% तुम्हारा कोच तुम्हारे मेंटर सिखाएंगे, बाकी के 10% जो होती है वो स्पारिंग होती है और कंडीशनिंग होती है, ये सब होता है। तो इतने सालों से पूछ रहे थे ना कोच क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है। अभी फिलहाल 8-10 ही कॉमेंट आते हैं, बाकी अप्रिसिएशन होते हैं एक दो सवाल, 5-6 सवाल होते हैं और बाकी वो रहते हैं। वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, बता देंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या रहेगा। एक पिछली वीडियो पे चलते हैं। क्या था? दैट मच कैफीन किल्स यू एट अ यंग एज फॉर श्योर, बेटर यू चेक योर हार्ट हेल्थ। ब्रो देखो ऐसा है, मेरी हार्ट हेल्थ बेस्ट कंडीशन पे है, क्योंकि जो कैफीन टॉलरेंस है ना मैं ओवर द ईयर बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर मेरे को पिछले साल से फॉलो करते हो मेरे हेल्थ पैराडाइज से, मैं तब से कॉफ़ी कंज्यूम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाता था बट वापस से उतना, इसीलिए मैं 720 mg कैफीन तक पहुँच पाया हूँ। हाँ फिलहाल इतना ही है, अभी थोड़ा हार्ड पंचेस पे चलते हैं, फिर उसके बाद फुटवर्क ड्रिल स्पीड लैडर पे आ जाओ। अब भी मुझे याद आया मैं हार्ड पंचेस कर रहा था कि मुझे हुक संभाल के खेलना है, मैं एकदम पूरे फील में आ गया, पूरे फील में आ गया मैं, ये जैसे घुमाने वाला था अपर कट के बाद, फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ भाई मेरी इंजरी है, इसको ध्यान में रखना है। मैं भाई बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हूँ ऐसे मामलों में, भूल ही जाता हूँ लिटरली, वैसे सारी चीज़ें याद रहती हैं। जिम के बाहर, जैसे जिम के बाहर उठाया दिमाग ऐसा चल जाएगा भाई एकदम 999 वाला IQ। फिर उसके बाद जिम में आके पूरा ब्लैंक, इसलिए तो मैंने अपना नाम नकल हेड वॉरियर रखा है, वॉरियर इन द सेंस यार मैं सिर्फ फ्लॉन्ट नहीं करना चाहता बट आई एम क्षत्रिय, ठीक है? एंड क्षत्रिय मीन्स वॉरियर, बता रहा हूँ मैं, जस्ट एज अ बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पूछते हैं ना कि क्या कास्ट है, कहाँ से हो, राजपूत हो, क्या हो, तो क्षत्रिय वॉरियर वो वॉरियर वाली फीलिंग, और जिम में आके मेरा माइंड पूरा हो जाता है ब्लैंक, मैं सोच समझ नहीं पाता, तो नकल हेड उस वजह से, तो नकल हेड वॉरियर इसलिए नाम रखा हुआ है। आई होप आज तुम्हें पता चल गया हो कि क्यों मेरा नाम नकल हेड वॉरियर रखा है मैंने। सबसे क्रेजी पंच लगता मुझे ओवरहेड पंच, ओवरहेड राइट हैंड ओवरहेड पंच, ये आता है, ये थोड़ा गलत हो गया, सेट करने दो उनको भाई, ये लैंड हो जाएगा ना जिस दिन मेरे ओपोनेंट के लैंड होगा, मेरे को देखना है कि क्या हाल होगा उसका। ओह माय गॉड, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे तो। 5-3-3 मिनट के राउंड, नहीं 2-2, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 20-20 सेकंड के राउंड में, फिर 30 सेकंड रेस्ट, फिर 20, ऐसे 2-3, ज़्यादा नहीं, पर 20 सेकंड ऐसा हो जाना चाहिए। जान नहीं बचे, ये रहता है। अब मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इंटरनेट पे कि स्पीड लैडर को ना काफ़ी लोग रिजिड करते हैं, मतलब स्पीड के चक्कर में ना, एकदम स्पीड के चक्कर में काफ़ी स्टिफ कर लेते बॉडी ऐसे, ये हा, 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 ये नहीं करना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अब इस चक्कर में खराब भी हो गया, अब जैसे मैंने पहले भी बताया बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट रिदम फ्लोइंग, कौन कितना रिदम में, अपनी रिदम ढूंढो। तो स्पीड लैडर जिसके पास है, जिसके जिम में है, वेल एंड गुड, नहीं है तो एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, ईंटा उठाओ लाल कलर का, ऐसी लाइनें बना लो 2 लाइन, फिर उसमें बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और फिर उसको देखो पहले देख के करो, और एकदम फ्लो में, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये लूज छोड़ दो, अपर बॉडी एकदम लूज, फ्लूइड है, ये तुम्हारे टेंशन केवल एंकल में और टोज पे, इन दो जगह
टेंशन रहनी चाहिए, बाकी सब स्लो। नीज होंगे कंप्रेशन के लिए, जब बॉडी ऐसे जा रही है, स्विच हो रही है, एक पैर से एक, एक पैर से एक, एक पैर से एक। ये बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट फ्लोइंग, रिदम, मारना, डिफेंस करना, दैट्स नॉट बॉक्सिंग। फिर तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है, मारना, स्ट्रीट फाइट हो गया, सॉरी स्ट्रीट फाइट हो गया, मार रहे हो, बच रहे हो। बॉक्सिंग इज एन आर्ट। ये अगर फ्लो में रहोगे तो चीजें स्विच करने में भी आसानी रहेगी। ये स्पीड, स्पीड दिखानी है, स्पीड दिखानी है। अब देखो, ये पूरा रिजिड कर दिया, एकदम टाइट कर दी बॉडी, ये नहीं करना। स्पीड 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 स्पीड, धीरे धीरे आएगा स्पीड। ये देखो, मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं फिर भी लैडर बिगाड़ नहीं रहा। उप्स, थोड़ी गलती हो गई, बट द पॉइंट इज ये बॉडी का डिस्टेंस और बैलेंस बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। और रिदम, डिस्टेंस मतलब कितने पैर खोलने, इतना नहीं जाना और ना इतना, इतना बॉडी का रिदम बनेगा। ये देखो, ये 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 देखो, एक पाँव सीधा है पर एक पाँव इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, वही सेम इसके साथ। इधर से ये इसको तेज करना है। ये तीन चीजों पे वर्क करता लैडर, रिदम, डिस्टेंस, बैलेंस, स्पीड भी, चार हो गई, सॉरी। तो ये अपना लैडर हो गया खत्म, 11:30 हो गए, डेडलिफ्ट जाएंगे, बढ़िया सी मार रहे हैं। यार एयर बाइक मैं नहीं कर रहा क्योंकि सुबह से मैंने 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने कार्ब्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो गई है ना कार्ब्स कंज्यूम करते हुए विद इन 24 आवर्स, तो माइंड स्टेबल रहता, वरना अभी मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, आईज पेन हो रही है। चलते हैं, इससे पहले मैं चिड़चिड़ा और बहुत चिड़चिड़ा हो जाऊँ, क्योंकि कार्ब्स इज फॉर योर ब्रेन, नॉट फॉर योर बॉडी। एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्ब्स। मैं और आगे नहीं जा रहा, 120, 5-6 रेप बस। ऐसा लग रहा है मेरी आईज पॉप आउट हो जाएंगी लिटरली। लिमिट्स पुश पास करना अलग बात है और बेवकूफ़ी करना अलग बात है। थिन लाइन होती है जो मैं बता रहा हूँ ना, लिमिट्स पुश पास करना और अपने आप को इंजर कर देना, बहुत पतली लाइन होती है। जो उसका ध्यान रखेगा वो इंजरी ले लेगा और 6 महीने 1 साल के लिए बैठ जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दैट। उठा 180 भी लेता हूँ बट क्या फ़ायदा ऐसा जाने का जब मर जानी अगले दिन के लिए और ऐसी तैसी हो जानी। तो इट्स नॉट अबाउट द ईगो, इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रेस।